स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। कश्मीर की खूबसूरत जगहों में एक जगह मानसबल भी है, आप सब लोग आए भी होंगे और आपने मानसबल की लेक को देखा भी होगा। लेकिन मानसबल के साथ एक बहुत ही पुरानी यादें जो है जुड़ी हुई हैं और ख़ासतौर पे पांडव काल की यादें जो जुड़ी हुई हैं, ये मंदिर। तो मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर 1800-1900 AD में बनाया गया है। तारीखदान ये कहते हैं कि ये मंदिर जो है अवंती वर्मन जो राजा थे, अवंतीपुरा जो आपने नाम भी सुना होगा, और वहाँ पे भी कुछ मंदिर अवशेष आज भी हैं, उसी मंदिर अवशेष की तरह जो है इस मंदिर को भी बनाया गया। और इस मंदिर के बिल्कुल सामने का मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, छोटी सी मूर्ति रखी गई है जो गणेश जी की मूर्ति है। और उसके अलावा अगर नीचे देखेंगे आप, क्योंकि ये मंदिर जो है सबमर्ज हो गया है, ये मंदिर जो है इस ज़मीन में धंस चुका है, और जितना ये मंदिर आप ऊपर देख रहे हैं इसका तिहाई जो है, मतलब इसके अगर दो हिस्से और देखेंगे आप तो वो बिल्कुल नीचे हैं। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर 3 मूर्तियां हैं, उसके अलावा एक शेर का सर है और उसके अलावा एक शिवलिंग है। और ये मंदिर जो है अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तारीख की एक बहुत बड़ी निशानी है कि आज जब भी मानसबल आप आते हैं तो इस मंदिर को देख के जो है पुरानी यादा ताज़ा होती है। और ख़ासतौर पर इस अगर परिसर को आप देखेंगे जो ये सरोवर बनाया गया है, इस सरोवर के अंदर खूबसूरत मछलियाँ जो हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी में जो हैं अभी तैर रही हैं, और मछलियों को यहाँ पे दाना डालने भी लोग आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, अगर आप देखेंगे बिल्कुल 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे जो है अमरनाथ यात्रा जो है हाईवे से गुजर के जो है बालतल जाती है, लेकिन इस मंदिर की तरफ जो है अभी तक उतना रुझान नहीं है। आज भी ये मंदिर जो है मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत है और वही इसको मेंटेन भी कर रही है, और उसी ने इस पूरे इलाके को जो है अभी संजोया हुआ है। ये ग्रिल आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो आप ये नई ग्रिल देख रहे हैं, ये अभी अभी लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से ये मेंटेन किया गया है तो कहीं ना कहीं मानसबल, ये वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी को खराज तहसीम जो है देनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए जिस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ। इसके साथ में ही एक नेचुरल स्प्रिंग है जहाँ से अभी इस वक्त, क्योंकि आज जुलाई का महीना है और जुलाई के महीने में जो पानी है वो चिल्ड वाटर जो है वहाँ से निकल रहा है, और वो क्रिस्टल क्लियर वाटर जो है इसमें भी आता है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मानसबल को भी जो है प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मंदिर स्थल को जो है दोबारा खोजा जाए और देखा जाए कि ये मंदिर जो है कितना नीचे है, इसके अवशेष कितने नीचे हैं, और इस मंदिर को दोबारा जो है खड़ा किया जाए कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो इधर भी आए, और ख़ासतौर पर यहाँ आसपास के लोगों के लिए भी एक रोज़गार खड़ा हो जाए। और अगर देखा जाए तारीख के बहुत से मनाजिर जो हैं कश्मीर में हैं, और स्ट्रेट लाइन वो सारे मनाजिर कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे मनाजिर आप तक पहुँचाए, जितनी हमारी कोशिश है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ।